अजमेर सिंह जी पानीपत तो वह थोड़े नाल विचार सांझे करेंगे। अजमेर सिंह जी पानीपत, मोदी सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आओ जी पानीपत। नमस्कार सभी किसान वीरों को और मेरी मातृशक्ति को। आज वैसे तो समय बहुत ही कम मिला, हम लेट हो गए। हम भी एक छोटे से पिंड के नुमाइंदे होने के नाते कभी पहले बोले तो नहीं थे, लेकिन हमारे चाचा ताऊ कह रहे भाई अपने पिंड की आवाज़ को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर साझा किया। लेकिन कुछ मीडिया हाउस हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोटेस्ट को गुमराह करने जा रहा है, किया जा रहा है। लेकिन आवाज़ इंग्लैंड से लेकर कनाडा सभी तरह से फैल चुकी है। और कल इंग्लैंड की सरजमी पे वहाँ एक ई पिटीशन के माध्यम से एक कैंपेन चलाया गया, उसी का दबाव ब्रिटिश संसद में उठा और वहाँ से सबसे बड़े डेमोक्रेसी इंडिया को तानाशाह को ललकारा गया। क्या वहाँ आप किसानों के प्रोटेस्ट को जबरदस्ती दबाव डाल रहे हो, उनकी क्यों नहीं आवाज़ को सुना जा रहा? और सेकंड, पिछले कुछ समय से 6 साल से जो प्रेस इंडेक्स होता है ग्लोबल लेवल का, उसमें 2014 में हम 140 में नंबर पे थे 180 देशों में से, और अभी नई रैंकिंग आई है उसमें हमारा स्थान और 16 स्थान पीछे हो चुका है। कहने का तो हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी के नुमाइंदे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है वो पाकिस्तान चाइना से भी बुरा हो रहा है। मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, आज तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में और नए नए रोचक तथ्य आपके सामने ले आऊँगा। जय जवान जय किसान। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। नहीं नहीं, एक बात छोड़ दी भाई, अजमेर ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ध्यान से सुन लो, आपने बैरिकेड लगा दिए चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी किसको? आम जनता को। रास्ता रोकना चाहिए था किसानों ने, रास्ता रोक रहे हैं आप। लेकिन जो बैरिकेड लगा रहे हैं आप, उसके बारे में बताना चाहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तड़ी पार को, कि जो हमारे छोटे बच्चे गांव में खेलते हैं ना, पहले तो कोई किला बना था उसमें हल चलाते थे या अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे, लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 5, 7, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे हैं, वो अपने प्लास्टिक के जो ट्रैक्टर बनाते हैं छोटे छोटे, उनसे अच्छा अच्छा वो उनको उन खिलौनों से आगे बैरिकेड बना के उस ट्रैक्टर से वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसी ट्रेनिंग हमारे बच्चों ने शुरू कर दी है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तड़ी पार, यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, बुरे संकेत है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये बात मेरे भाई ने छोड़ दी थी, ये बताई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक नारा बोलेंगे, जोर से बोलना साथियों, ताकि संसद में ये दो ही बंदे हैं साथियों, और किसी का नाम लेने कोई जरूरत नहीं है। एक चौकीदार, एक तड़ी पार है, और किसी का कोई संबंध नहीं सरकार से। तो पंजाब एकता, पंजाब हरियाणा एकता भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। जय जवान जय जवान। बोले सोनिया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।